कह रही है कि अरे ब्रह्मा तू एकदम निरो मूर्ख है। अरे ब्रह्मा जी बोले हम सृष्टि करता है, हमको मूर्ख किसने कहा? बोले इतने मूर्ख हो आप, काय को बोला ये पलक काय को बनाया, अगर पलक न बनाया होता तो हम अपने श्याम सुंदर को जो देखती हैं ये पलक गिरने में एक पल के लिए भी जो हमारा देखना बंद होता तो हमारे प्राण निकल जाते हैं, काश कि हमारे पलके न होती। एक तरफ आप उन ब्रज के लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उन ब्रज गोपियों का प्रतिनिधि हो तुम, आप सब हैं, तो वो कह रहे ब्रह्मा से कि पलक क्यों बनाया, भागवत के दर्शन में मुझे तकलीफ हो जाती है, और आप कैसे हो कि जानबूझ के पलक इधर उधर कर रहे हो, यहां मटमटाते रहो ऐसे बीच में ऐसे ऐसे, पर सीधे ही रखो तो काम बनेगा, काम अच्छा होगा। अब आनंद की बात यह है कि आप सब ब्रजवासी हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं, ठाकुर जी आराध्य हैं, पर ठाकुर जी के कथनानुसार ही ब्रजवासी बल्लभ सदा। तो हम तो दिल से मानते हैं, हम चौका और चौकी पर अलग से नहीं बोलते, दिल खोल कर ब्रजवासियों को अपना आराध्य मानते हैं तो मानते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप मेरे आराध्य हो और सदा रहोगे, पर चूंकि मुझे व्यासपीठ पर बिठाया गया है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया गया है, तो ट्यूशन का कुछ तो अपना हम हक अदा करके जाए ना, कि हमें ट्यूशन के लिए बुलाया गया कि थोड़ा बांच दो आके भागवत जी को। ऐसे रहो, मैं सच कहता हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा, कितना भी महान कितना भी बड़ा, अगर आपकी निष्ठा ऐसी हो भागवत जी की तरफ, तो भीतर से वो हिल तो जरूर जाएगा कि दुनिया में इतनी जगह गए पर बलदेव जैसे भगवान के भक्त कहीं नहीं देखे, कि साहब हम आए भी लेकिन सब भागवत की तरफ देख रहे थे। ये ऊंचाई जरूरत है भक्ति के मार्ग में, ये ऊंचाई चाहिए। और मैं इस वृंदावन में बहुत समय से रहा हूं, छोटा सा एक झोला लेके कहीं जब रास होता या भागवत कथा होती, जहां लोगों के खड़ाऊं और जहां जूते चप्पल लगाए पादुका रहते थे, वहां बैठ बैठ के मैंने भागवत सुनी। मैं 20 साल रह के बड़ी मुश्किल से एक बार जब एक छोटा उत्सव किया, और फिर मैं बहुत प्रयत्न करके कितने कम लोग जाने, लेकिन जब राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा हुई, और फिर अर्नब एक दिन आए और बोले गुरुदेव आपको बुलना पड़ेगा, आप तो अब आना पड़ेगा कुल के, फिर मैं आया लोगों के बीच में। नहीं तो 19 साल तक ब्रज में गोपन तरीके से ऐसे एक बैग लेकर के लोगों के पादुकाओं पर बैठ के ऐसे भागवत सुना करता था, महात्माओं के संतों के रास देखते थे, महाराज अष्टयाम लीला देखा करते थे पोगला में बैठ बैठ करके, सुबह से लेके जब जब होती थी, क्योंकि तब मेरे आराध्य वही हैं, इष्ट वही हैं, फिर कौन आया कौन गया वो देखने के लिए नहीं बैठे। और यही भावना रखो, 6 दिनों से यही तो बता रहे हैं कि प्रमुखता जिसको दोगे वही आपके जीवन में हावी होगा, इंपॉर्टेंस जिसको मिलेगा वही आपके जीवन में इंपॉर्टेंट होके आएगा। तो इंपॉर्टेंस श्री कृष्ण को ही दो, मैं सत्य कहता हूं, इस लोक उस लोक यहां वहां ऊपर नीचे घर परिवार तुमसे आगे कोई नहीं होगा अगर तुमने कन्हैया को इंपॉर्टेंट देना प्रारंभ कर दिया। महाराज वो जगत पिता हैं, ठाकुर जी हैं, उनको इंपॉर्टेंस दो ना।